अखिल गिरी मुर्दाबाद 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 अखिल गिरी मुर्दाबाद 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 आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को गलत टिप्पणी करने के विरोध में लड़ाई हमारा जारी है जारी है जारी है। नंदीग्राम ने राज्य राजनीति से बेड़े चले तीव्र वितर्क। সম্প্রতি নন্দীগ্রামের গোকুলনগরে শহীদ স্মরণ মঞ্চে আগুন লাগে আর তারই প্রতিবাদে পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। এই অগ্নিকাণ্ডের পিছনে বিজেপির হাত আছে বলে দাবি করা হয়। অন্যদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে প্রতিবাদ সভা করা হয় নন্দীগ্রামে এবং সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের কারা প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরি বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে। আর তাই নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতো। এবার অখিল গিরির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানালো আদিবাসী একতা বিকাশ মঞ্চ। সোমবার মেটেলের ইন্দ্রং মোড়ে সংগঠনের তরফে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করা হয়। অখিল গিরিকে গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়। মঙ্গলবার অখিল গিরির বিরুদ্ধে সংগঠনের তরফে মেটেলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে এদিন সংগঠনের তরফে জানানো হয়। এদিন দীর্ঘক্ষণ অখিল গিরি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা গণেশ চিকবরাই বলেন, মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একজন আদিবাসী মহিলা, যেভাবে ওনাকে অপমান করা হয়েছে আমরা তা মেনে নিতে পারি না, অবিলম্বে অখিল গিরিকে গ্রেপ্তার করতে হবে, তা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ ভোক্তা, উইলিয়াম মিঞ্চ, মহেশ পাইক সহ অন্যান্যরা। মেটালি থেকে অর্পিতা মৈত্র, রিপোর্ট 400 টাইমস। আজ বিতে দিনো মে আমারে মহামহিম রাষ্ট্রপতি মাননে শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু কে উপর আপত্তিজনক টিপ্পনি करने के विरोध में आज हम लोग यहाँ एक पेपर मीडिया के माध्यम से हम लोग जानकारी देना चाहते हैं सरकार को कि आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार से गलत प्रकार से टिप्पणी दिया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग अपील करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग समस्त द्वार सातराई वासी को ये बात के लिए जानकारी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद की गरिमा को देखते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति पद पर जो आदिवासी समुदाय के महामहिम माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्थापित हुए हैं उनको लेकर आदिवासी समुदाय को गलत टिप्पणी किया गया है। जो टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से गलत टिप्पणी करके आदिवासी समुदाय को नीचा दिखाए हैं उसके विरोध में हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग हर एक बात पूरे मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि बीते दिनों में जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय हर राजनीतिक पार्टी में ओहदे पद पर रहे हैं लेकिन उनको भी ये जानकारी देना चाहते हैं जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय डुआ सतराई के क्षेत्र में बसोबास करते हैं उस आदिवासी समुदाय को इस प्रकार से गलत बयानबाजी और नीचा दिखाने का काम और गलत टिप्पणी करने के लिए जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ता ने किए हैं उनका घोर विरोध करते हुए आने वाले दिनों में हम लोग उनको एक कड़ी जवाब देना चाहते हैं कि आदिवासी के ऊपर इस प्रकार से गलत टिप्पणी देने का अंदेशा क्या हो सकता है।